आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप BIS 2.0 पोर्टल से आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएंगे यूपी श्रमिक कार्ड का यूज करके। तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर डायरेक्टली आ जाएंगे और यहाँ पर रजिस्टर एंड साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से CSC से लॉगिन कर लेंगे। CSC से लॉगिन करने के लिए CSC कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मेन्यूज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर के मेन्यू है जो कि इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स, इस पर क्लिक करके और सर्च बाय आईडी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपनी स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर एंटर कर देंगे और नीचे से गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको नीचे यूपी श्रमिक कार्ड का डाटा शो करेगा। यहाँ से आप जिसका भी कार्ड बनाना चाहते हैं उसके सामने व्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन श्रमिक कार्ड के अकॉर्डिंग फिल हो जाएंगी। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और साथ में उसका कंप्लीट एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका आधार कार्ड नंबर एंटर करके OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब कस्टमर के आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देंगे। OTP एंटर करने के बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कस्टमर का आधार के अकॉर्डिंग डाटा शो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपके आयुष्मान कार्ड बनाने की रिक्वेस्ट प्लेस हो जाएगी। अब 2 से 4 दिन में आयुष्मान कार्ड अप्रूव हो जाएगा, फिर इसको आप डाउनलोड करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।